हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे आइडियल साइकिल की। ठीक है, आइडियल साइकिल को हम रैंकाइन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी का एक टॉपिक है आपका आइडियल आइडियल साइकिल। तो आइडियल साइकिल रैंकाइन साइकिल है आपकी, आइडियल वेपर साइकिल रैंकाइन साइकिल होती है। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक पंप होता है, ठीक है, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर, ठीक है, ये सब साइक्लिक प्रोसेस में होते हैं। तो क्या है इसमें, क्या होता है इसमें, चार स्टेप होते हैं। चार स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहले और फर्स्ट से सेकंड, यानी कि पहले से, यानी 1-2 स्टेप क्या होगा, 1-2 स्टेप में क्या होगा आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। ठीक है, यानी क्या होगा, 1-2 प्रोसेस में क्या होगा, 1-2 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। ठीक है, बॉयलर में क्या होगा आपका, कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी 2-3 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर आपकी हीट का एडिशन होगा, यानी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पर हमें क्या करना है, बॉयलर में हीट का एडिशन करना है। ठीक, 3-4 क्या होगा आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। आइसेंट्रोपिक मतलब इसमें हमारी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम एडियाबेटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस भी, एडियाबेटिक प्लस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो 3-4 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा टर्बाइन में, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा टर्बाइन में। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टर्बाइन 3-4 स्टेप, एंड 4-1 क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर आपका हीट का रिजेक्शन होगा, कंडेंसर क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे चार स्टेप इसमें होते हैं। ठीक है, तो जब चार स्टेप में हम बात करेंगे तो क्या करता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या है आपका, आइडियल रैंकाइन साइकिल में क्या करते हैं हम, इसमें है पंप क्या करता है, वाटर को आइसेंट्रोपिक क्या करेगा, लिफ्ट करेगा उसको, और उसका क्या कर, उसको उसका जो प्रेशर है बॉयलर के ऑपरेटिंग प्रेशर इतना उसको बढ़ाएगा हमें, और उसको बॉयलर में एंटर कराएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही पंप में हमारा वाटर सैचुरेटेड लिक्विड को हम फीड करते हैं पंप में, तो जिसकी वजह से क्या है, उसका जो टेम्परेचर उसमें स्लाइटली इंक्रीज होता है, कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वाटर के स्पेसिफिक वॉल्यूम में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे हमें जो हमारे पास टीएस कर्व है एंट्रोपी और टेम्परेचर और एंट्रोपी में, उसमें जो वर्टिकल लाइन है 1 और 2 स्लाइटली इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, वर्टिकल लाइन ये आपका पंप के द्वारा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट को दिखा रहा है। ये किसी वजह से हुआ है, क्योंकि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम में कुछ ना कुछ कमी आई है। ये आपकी बॉयलर प्रेशर लाइन है, ये कंडेंसर प्रेशर लाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बॉयलर प्रेशर, ये आपकी कंडेंसर प्रेशर लाइन है। ठीक, क्या होता है, अब जैसे ही आपका बॉयलर के ऑपरेटिंग प्रेशर इतना आपके पंप ने प्रेशराइज करके बॉयलर में भेज दिया वाटर को, तो क्या है, अब वाटर को भेजा बॉयलर में, तो बॉयलर क्या है आपका, एक लार्ज हीट क्या होता है, एक्सचेंजर होता है, जिसमें हम हीट का सप्लाई करते हैं हीट को, और कंबशन के द्वारा हम हीट का सप्लाई करते हैं बॉयलर में, और उसमें जो वाटर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे हीट इनपुट के द्वारा। जब इसका हमने हीट इनपुट दे दिया, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर उसका टेम्परेचर इंक्रीज, सुपर हीटेड कर दिया हमने इसको। ठीक है, जब इसको हमने सुपर हीटेड कर दिया है, तो सुपर हीटेड करने के बाद ये जो लाइन आपकी, ठीक है, ये लाइन आपकी आई यहाँ पर, 3 स्टेप में क्या मिला आपको, बॉयलर का टेम्परेचर सुपर हीटेड मिला आपको। यदि आप इससे ऊपर और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी मान लो यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ तक आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया ज्यादा, तो क्या होगा आपको, ये लाइन इसके जो वेपर डूम है, जो वेपर लाइन है, इसके बिल्कुल पास में मिलेगी, तो इससे क्या होगा आपकी, एक तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी रैंकाइन साइकिल की, और आपकी जो टर्बाइन ब्लेड पर जो इरोजन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो इस मॉइस्चर होता है वेपर्स में, जिस स्टीम में, उसकी वजह से क्या है, आपके जो ब्लेड्स हैं टर्बाइन के, वो बहुत ज्यादा क्या है, इरोजन प्रॉब्लम हो जाती है, कोरोजन होने लगता है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, और टर्बाइन के ब्लेड बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो फिर आपने टेम्परेचर किया, तो हमारे लिए जो क्या है, इसमें टेम्परेचर को बढ़ाना ये हमारा कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन कंस्ट्रेंट हमारा क्या है यहाँ पर, मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्योंकि आप अधिक ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फिर क्या होगा आपका जो स्टीम जब ब्लेड पर टकराएगी, इसकी वजह से क्या है, आपकी जो मटेरियल है वो उसमें फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो क्या करते हैं हम, एक मटेरियल की अकॉर्डिंग हम उसके टेम्परेचर को राइज करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 प्रोसेस तक पहुंचा आपका, फिर क्या हुआ, जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, अब क्या हुआ,
टेम्परेचर सुपर हीटेड होगी स्टीम, आपको जब स्टीम टर्बाइन में एंटर करती है, ठीक है, टर्बाइन में जब आपकी स्टीम क्या करेगी, एंटर करेगी, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा उसमें, और एक्सपेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या है, आपके प्रेशर और टेम्परेचर में रिडक्शन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या है, टर्बाइन से आपकी शाफ्ट जुड़ी हुई है, शाफ्ट से एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जुड़ा हुआ है, शाफ्ट क्या करेगी, घूमने लगेगी और हमें एक वर्क आउटपुट मिल जाएगा, इसके द्वारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने लगेगी, क्योंकि शाफ्ट घूमेगी तो इलेक्ट्रिक जनरेटर घूमने लगेगा, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो मतलब टर्बाइन से जब निकलेगा, क्या कहते हैं आपका लिक्विड, या जो क्या होगा लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे उसको हम फिर कंडेंसर में भेजेंगे। कंडेंसर क्या है आपका, एक लार्ज हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या है आपका हीट की आपकी क्या होगी, रिजेक्ट होगी, ठीक है, हीट आपकी रिजेक्ट होगी, और फिर हीट रिजेक्ट होने के बाद आपको जो लिक्विड मिलेगा कंडेंसर के बाद, वो आपको सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, और उसको आप दोबारा से पंप में फीड कर देंगे, और इससे आपकी जो साइकिल है वो पूरी हो जाती है। पंप में क्या है, हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा, उसके द्वारा ही हमारे पंप में क्या है, पंप चलेगा, ठीक है, इससे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वर्क करना पड़ेगा हमारे लिए, यहाँ से हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, वहां हमारा वर्क इनपुट मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, हमारी हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, यानी 4:1 क्या है हमारी हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, एंड 1:2 क्या है आपकी, या 2:3 सॉरी 2:3 क्या है आपकी, हीट एडिशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो आपकी लाइन है, इसमें क्या है, थर्ड पर आपके क्या है, टर्बाइन में जब एंटर होगी तो आपके क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है, वो जो डिक्रीमेंट आया वो यहाँ पर आया, ये आपके वेपर ड्यूट की पास में आई है, ये वेपर लाइन है आपकी, ठीक है। तो यदि हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे, तो आपकी लाइन क्या है, 4 जो 0.4 है वो और पास आता रहेगा इसके, ठीक है। इससे क्या है, हमारे जो ब्लेड है उसकी जो इरोजन की प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वही है मटेरियल की फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। ये हमारा TS प्लॉट है, इसमें हमारा क्या है, ये वेपर डूम है, ये क्या है आपकी बॉयलर प्रेशर लाइन है, ये कंडेंसर प्रेशर लाइन है, ठीक है। 4:1 आपका क्या है, आपने देखा 4:1 में क्या है आपका, कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, इसको हमने इस वाले ग्राफ के द्वारा हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आइडियल रैंकाइन साइकिल, ठीक है। और इसके बारे में हम जब बात करेंगे इसकी, कि हमें आइडियल रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी को कैसे इंक्रीज करना है, अभी तो हम इसका वर्क इनपुट निकालेंगे कि कौन कौन सा इसमें वर्क इनपुट की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक। अब निकालेंगे हम थर्मल इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल वो क्या होगी, थर्मल इफिशियंसी 1 - W net अपॉन क्यू इनपुट, ठीक है, W net अपॉन क्यू इनपुट। W net क्या है आपका, W टर्बाइन आउटपुट माइनस W पंप इन, ठीक है, माइनस अपॉन क्यू इन, ठीक है। यानी एफिशिएंसी क्या होती है, रैंकाइन साइकिल कोएफिशिएंट की कितना नेटवर्क है और कितनी आपने हीट सप्लाई की है, यानी आपने कितना हीट दिया है, कितना हमें वर्क इनपुट है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो वर्क इनपुट कितना है, कितना टर्बाइन का आउटपुट मिला है हमें, कितना हमें पंप के हमने इनपुट दिया, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे तो नेटवर्क आ जाएगा आपके पास, कितना आपने हीट का सप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब इसको और हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास आएगा 1 - क्यू आउटपुट, कितना हमारा आउट है और कितना हमारा इन, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और आपका जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क वो किसके बराबर होगा, कितना आपका टर्बाइन ने आउटपुट करा है और कितना आपने इनपुट दिया है पंप को, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, थर्मल इफिशियंसी का, हमने रैंकाइन साइकिल की जो थर्मल इफिशियंसी उसको कैलकुलेट कर लिया है, कि आपकी थर्मल इफिशियंसी है रैंकाइन साइकिल का, आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रैंकाइन साइकिल में जो आपका TS प्लॉट था, उसमें जो वर्टिकल लाइन थी 1:2
वो क्या दी आपकी टेम्परेचर में स्लाइट इंक्रीमेंट, ठीक है। टू के बाद आप क्या करते हैं उसको प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि टू से थ्री तक प्रोसेस में क्या करते हैं आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्योंकि वो बॉयलर में एंटर हो चुका है आप हीट इनपुट के द्वारा। तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए आपका जो कर्व आया था ये था आपका कर्व, ठीक है, ये आपकी वेपर प्रेशर बॉयलर प्रेशर लाइन थी, यहां पर आपका टेम्परेचर सुपर हीटेड हो गया, ठीक है, यहां पर आपका टेम्परेचर है वो सुपर हीटेड, यहां पर आपका टेम्परेचर क्या है सुपर हीटेड, आपको स्टीम मिल गई। फिर आपने क्या किया उसको टर्बाइन जैसे एंटर करा दिया तो क्या होता है आपका उसका टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्शन होगा, यहां आपको चार पॉइंट मिला, ठीक है। ये वेपर जो आपका जो डूम आता है उसके बिल्कुल पास में है, ठीक है, यदि हम और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और करेंगे तो ये लाइन और पास में आ जाएगी, तो आपकी जो क्वालिटी है जो इफिशियंसी है बॉयलर की और थर्मल इफिशियंसी आपकी रैंकिन साइकिल वो तो इंक्रीज होगी, और आपकी जो इरोजन प्रॉब्लम है ब्लेड बट जो ब्लेड की जो इरोजन प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन मटेरियल का एक लिमिटिंग टेम्परेचर होता है लिमिटेड कि आपका मटेरियल इतने टेम्परेचर को ही विदस्टैंड कर पाएगा, और फर्दर आप उससे इंक्रीज करेंगे तो उसका जो ब्लेड है वो क्या हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हमें केवल एक रेंज तक ही उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। फिर आपने बॉयलर उसको कंडेंसर में एंटर कराया या फिर कंडेंसर प्रेशर लाइन, ठीक है, कंडेंसर वाली लाइन आपकी, ठीक है, फिर आप यहाँ पहुंच गए पुनः एक पर, फिर आपने यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया आपको ये यहाँ पर साइकिल ऐसे मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है टीएस प्लॉट, हमने आपको बता दिया टीएस प्लॉट में आपने क्या क्या किया है, ये क्या कहलाता है ये वेपर डूम की हमने केवल ड्रॉप किया है। इसको आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कर्व एंट्रोपी एंड टेम्परेचर कर्व, ये सब चीजें आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि आप जो इफिशियंसी है रैंकिन साइकिल की उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है।